यार वो भी एक टाइम था जब संडे सुबह देर तक सोने की बजाय सुबह जल्दी जल्दी उठकर लोग टीवी की पूजा करते थे, उसे फूलमाला पहनाते थे और फिर सारा परिवार एक साथ चप्पल उतार कर हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठ जाता था। बाहर सड़कें सूनी हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनवरी 1987 की, जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर जी की रामायण का प्रसारण हुआ। इस महाकाव्य ने लोगों के दिलों को इस कदर छू लिया कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में टिश्यू लेकर टीवी की स्क्रीन से एक्टर्स के आंसू पोंछते थे। उन दिनों टीवी इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन रामायण देखने के लिए लोगों के घरों में टीवी आने लगे और जिन घरों में टीवी नहीं थे वो अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर वहां इकट्ठे होकर रामायण देखते थे। रामायण तो सबने बहुत बार देखी, लेकिन इसके कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो किताबों के पन्नों तक ही सीमित रहे। इसी से रामायण के किरदारों से जुड़ी कुछ ऐसी ही कही अनकही कहानियां लेकर आपका मनोरंजन करने मैं एकता पाठक बहुत ही जल्द आ रही हूँ अपने शॉर्ट पॉडकास्ट अकथित रामायण में।